लाइव कोलकाता के अपडेटेड न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। 2 साल पहले हुए उन्नाव मामले को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को हाजरा मोड़ से एक प्रोटेस्ट रैली निकाली। इस रैली में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने आवाज बुलंद कर कहा कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपको बता दें, 2 साल पहले उन्नाव में 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया और ये बलात्कार का आरोप भाजपा नेता पर लगाया गया। उन्नाव रेप मामला उस समय चर्चा में आया था जब उस समय 16 साल की रही पीड़ित लड़की ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर न्याय के लिए प्रदर्शन किया था। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया था कि 2017 में नौकरी के लिए जब वह बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर के घर गई थी तो उसके साथ बलात्कार किया गया था। घटना के लगभग 1 साल बाद अप्रैल 2018 में लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की थी। इस मामले ने तुल पकड़ा तो आरोपी विधायक गिरफ्तार कर लिए गए। इस बीच लड़की के पिता की भी संदिग्ध हालतों में पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, रायबरेली में अपने चाचा से मिलकर लौट रही उन्नाव रेप पीड़िता की गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो जाती है। इस हादसे में पीड़िता की मौसी, चाची और ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं पीड़ित महिला और उसके वकील गंभीर हालत में हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध करती आ रही है। गुरुवार को भी इसे लेकर एक रैली निकाली गई। ধর্ষণের অভিযোগ করতে থানায় গেছিল, তাকে মিথ্যা মামলায় জেলে পুরে দেওয়া হলো। জেলের মধ্যে তার বাবাকে হত্যা করা হলো। সেই হত্যা এবং ধর্ষণের অভিযোগ যখন থানায় গিয়ে ওই ধর্ষিত যুবতী করতে গেল, তাকে হেনস্থা করা হলো। হেনস্থা করার পর তারা যোগী আদিত্যনাথের বাড়িতে গিয়ে ধর্ণা দিল, হুমকি দিল, যদি ধর্ষণ এবং খুনের উত্তর প্রদেশের একটা অখ্যাত গ্রাম, যে গ্রামে একটি মেয়েকে চাকরি চাইতে গেছিল বলে বিজেপির বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার তাকে ধর্ষণ করেছে। সেই ধর্ষণের অভিযোগ তার বাবা যখন থানায় জানাতে গেল, বাবাকে পিটিয়ে জেলে পুড়ে দেওয়া হলো এবং বাবাকে তখন জেলের ভেতরে তাকে হত্যা করা হলো। সেই অভিযোগ নিয়ে যখন সেই ধর্ষিতা যুবতী যখন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগীর বাড়িতে গিয়ে ধর্ণা দিল এবং বলল যদি বিচার না পাই তাহলে গায়ে আগুন দিয়ে মারা যাবে, তখন ওই ধর্ষিতার ওপর এলো আক্রমণ এবং আক্রমণ প্রতি আক্রমণ করতে 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 আজকের ডেটে গিয়ে দাঁড়ালো তার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে আজকে ট্রাক চাপা দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হত্যা করা হলো এবং তার কাকা জেলবন্দি আছে। এটাই প্রমাণ হয় উত্তরপ্রদেশে জঙ্গল রাজ চলছে, উত্তরপ্রদেশে দলিতরা নিরাপদ নয়, দলিতদের নিরাপত্তা নেই।